बादशाहत गई तेल लेने, वो खत्म हो गई है। अच्छा चलिए, ओवैसी साहब को तो छोड़िए, जो खास में मिश्रा साहब कह रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ब्रॉडर लेवल पे ये देखा जाए कि मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम है क्यों, प्रॉब्लम इसलिए है ना कि मैंने ये चीज रीड किया है कि जो एक कॉमन मुसलमान है किसी भी रीजन से, चाहे मुल्ला के कहने में चाहे कैसे भी अज्ञानता के कारण, वो प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है, वो या तो पास्ट में जीता है या अपना फ्यूचर मुकम्मल करता है। इसका इग्नाइट करने का भी एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश आजाद हो गया 1947 के बाद और सारी प्रॉब्लम सेटल डाउन हो गई थी, तो यहाँ पे होता यह है कि एक पर्टिकुलर धर्म विशेष और संप्रदाय के लोग कुछ न कुछ, चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, उनका कोई नेता हो, इस तरह की चीजें करेगा कि दूसरे ग्रुप के लोगों को ये लगेगा कि उनके अस्तित्व पे ये चुनौती आ रही है। मुसलमान अगर ये बोलते हैं कि भाई हम 800 साल से हुकूमत कर रहे हैं तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुमने हुकूमत की, तुम्हारी बादशाहत थी, लेकिन जो लाखों साल से इस देश के धरती पुत्र रहे हैं, अगर उनको इस स्वतंत्रता के बाद भी कोई अगर आदमी उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाएगा तो क्या होगा? अगर ये इग्निशन बंद हो जाए, ये चिंगारी, ये भड़काना बंद हो जाए, और अगर ये बोला जाए कि हाँ भाई सभी लोग इसी धरती के पुत्र हैं और यहाँ पे रहा जाए, लेकिन जब कोई एक सेक्ट, एक ग्रुप बादशाहत वाले मूड में आ जाता है ना, पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि रह रह करके बादशाहत और नवाबी उबलने लगती है, उसका कीड़ा उबलने लगता है टाइम टू टाइम, साल दो साल, या किसी एक पर्टिकुलर मुल्ला को, मौलवी को, या एक नेता को जो उनको रिप्रेजेंट करता है। अब बीते जमाने की जो चीजें हजार साल पहले हो गई है, आप उनको लेकर के ये बोलोगे? यहां मैं लोकल बात बता रहा हूं, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि एक बार मेरा झगड़ा हुआ 10 रुपए ऑटो किराया के लिए, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उस रिक्शे वाले ने मुझे ये बोला कि 53 देशों में हमारी बादशाहत चलती है, और पहली बार मैं अवाक था ये आंसर सुन के कि तुम रह इंडिया में रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, जिंदगी नहीं चल पा रही है, लेकिन बादशाहत तुम्हारे दिमाग से जाती नहीं है। और किसी भी ग्रुप के साथ मैं बोलता हूं, जब आप उसके अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे तो इस तरीके के रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, अपने सुरक्षा में, अपने संस्कृति की सुरक्षा में।